व्यूअर्स, कैसे आप? आज हम आपको स्ट्रीट स्टाइल अंडे वाला गाजर का हलवा बनाना सिखाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो गाजर लिए, इन्हें छील कर मैंने अच्छे से पील कर लिया था और धो लिया था। और हम इसको ग्रेट कर लेंगे इस तरह के ग्रेटर से, जो नॉर्मल वाला साइज़ होता है उस तरह से करना है, ना ज़्यादा मोटा ना बारीक। जिस साइड से मैं कर रहा हूँ उस वाले साइड से हमने इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है सारी गाजरों को। और मेक श्योर करें गाजर आप अच्छी लें, नॉर्मल साइज़ की, ज़्यादा बड़ी गाजरें ना लें, लाल सुर्ख गाजरें लें। इस तरह के ग्रेटर से आप ग्रेट कर लें, कोई भी ग्रेटर आपके पास मौजूद हो तो आप ग्रेट कर लीजिए गाजरों को। तो देखिए मैंने सारी गाजरों को इस तरह से ग्रेट कर लिया, ये देख सकते हैं। इसे साइड पर कर देंगे। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये सारी कद्दूकश की हुई गाजरें डाल देंगे। 1 कप चीनी ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी और गाजरों को। तो देखिए मिक्स कर लिया हमने। अब इसे कवर करके 10 मिनट तक के लिए दरमियानी आंच पर पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखेंगे। तो देखें गाजर और चीनी ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, पानी अभी इसमें है। मिक्स कर लेंगे इसको, ये हाफ डन हो गई है। ये 6 अदद छोटी इलायची इसे मैंने कूट लिया है, ये शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून डाल दीजिएगा अगर आपके पास हो। मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसे दोबारा से कवर करके 10 मिनट के लिए दोबारा पकने के लिए रख देंगे दरमियानी आंच पर। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखेंगे। ये कुक हो चुकी हैं, टोटल 20 मिनट लगे हैं। 20 मिनट में गाजर अच्छे से गल जाती हैं। 1 कप घी शामिल करेंगे, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत झटपट से बन जाता है गाजर का हलवा, बहुत ही लजीज बनता है। ये 5 टेबल स्पून नट्स है, आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स मेवे हों तो वो डाल दीजिएगा, थोड़े से मैं बचा लूँगा गार्निशिंग के लिए। मैंने इसे कूट लिया था, ये बादाम है। अब इसके साथ मिक्स करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, जब तक कि थोड़ा बहुत इसमें जो नमी है, पानी है, वो ड्राई नहीं हो जाता। तो अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखिए ये भुन चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, ये रेडी है। अब अलहदा से एक बॉल में 4 अदद अंडे लेंगे और इन्हें तोड़कर इनको अच्छे से बैठ लेंगे इस तरह से, चम्मच की मदद से अच्छे से इन्हें फेंट लेंगे। तो देखिए अंडे मैंने फेंट लिए हैं। अब इन अंडों को हमने गाजर के हलवे में शामिल कर देना है और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है और इसको भी भून लेना है जब तक कि अंडे थोड़े से कुक नहीं हो जाते। स्ट्रीट स्टाइल में जो गाजर का हलवा मिलता है, जो बनता है, तो उसमें मोस्टली अंडे ही शामिल करते हैं वो लोग, खोया ऐड नहीं करते। खोया ऐड करते हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार में करते हैं, तो इसलिए वो जितना मर्जी चाहे गर्म करते हैं उनका खोया मेल्ट नहीं होता, वो अंडे ही होते हैं। तो इसको जितना मर्जी चाहे आप गर्म करें इसका खोया गायब नहीं होता। खोया जो होता है वो गर्म करने पर मेल्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो अंडे तो अपनी असल हालत में रहते हैं, वो मेल्ट नहीं होते। तो इसे भून लेंगे। तो देखिए भुन चुका है, रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये रेडी है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर और लुक आया है। हाफ कप खोया है ये शामिल कर देंगे, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रोक लूँगा। खोए की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देखकर बना लीजिएगा। इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी, जब आप खोया ऐड करें तो फ्लेम ऑफ कर दें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें, ज़्यादा मिक्स करेंगे तो खोया मेल्ट हो जाता है। तो बस ये रेडी है,
ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त हमारा अंडे वाला गाजर का हलवा बन करके तैयार हुआ है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें कितना मज़ेदार ज़बरदस्त गर्मा गर्म हमारा अंडे वाला गाजर का हलवा बन करके तैयार है। मैंने इसे बॉयल एग, नट्स और चांदी के वर्क से गार्निश कर दिया। ये देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा हम बाज़ार से लेते हैं उसी तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये गाजर का हलवा आप बनाइएगा, वो ज़बरदस्त बनता है। ये देखें इसका लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और ये खाने में भी बहुत लाजवाब ज़बरदस्त है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।